जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। 5G फ़ोन के बारे में आपको बताऊँ, 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर 4G फ़ोन लेना चाहिए। कमेंट आ रही है मैं 5G फ़ोन खरीदूं या ना। भाई अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 दिसंबर चल रहा है, सरकारों ने भी बोला था और काफ़ी कंपनियों ने बोला था कि हम 5G पूरे तरीके से लॉन्च कर देंगे, मगर अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। आपको मैं एक क्लियर कट बात बता देता हूँ कि मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, उनके पास 5G फ़ोन होता है, 5G फ़ोन ठीक कराने आते हैं, मैंने उनसे एक चीज़ पूछने की कोशिश करी कि भाई एक फ़ायदा बता दे, वो एक फायदा नहीं बता पाया भाई साहब, एक फायदा नहीं बताया उसने। एक फायदा अगर बता देता ना वो, तो मैं आपको वही फायदा बता देता, इसमें ये फायदा है। 5G फोन अगर 20,000 से ऊपर की रेंज में कोई फोन आ रहा है तो उसमें तो आपको पूरे फीचर्स मिल सकते हैं, मगर उससे नीचे की रेंज में अगर जो भी कोई फोन आप खरीद रहे हो किसी भी कंपनी का, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मैं बता रहा हूं कि किसी भी कंपनी का आप खरीदोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, या तो डिस्प्ले में करना पड़ेगा। आप यकीन मानना, LCD आ रही है मोबाइल फोन में लग के, 5G फोन्स में LCD तक लग के आ रही है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपका सेट भी हैंग होगा, लैग भी करेगा, और इतना उसमें कुछ खास फीचर है भी नहीं, ठीक है, आज के टाइम पे तो। और 5G फ़ोन के अभी प्लान्स भी नहीं आए हैं भाई। अगर उसमें 5G फ़ोन में मान लीजिए आप कोई वीडियो प्ले करते हैं 4K, या जो भी सिस्टम ने, जिस भी मोबाइल फ़ोन ने आपको ये फैसिलिटीज़ दे रखी है हाई एंड क्वालिटी की वीडियो चलाने के लिए, तो आप भैया सिंपल सी बात है व्हाट्सएप पे तो शेयर करोगे नहीं हाई एंड क्वालिटी की जो वीडियोज़ होती हैं, और आप खुद भी नहीं देखोगे। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप 360p पे देखोगे, ज़्यादा 480p पे देखोगे, 480p पे अच्छी खासी दिख जाती है और आपका डाटा भी बच जाता है। अगर 5G फ़ोन में आप 4K में देखोगे भाई, 2-3 GB की एक ही वीडियो होगी, उसके बाद आप खत्म डाटा, उसके बाद फिर आपको डाटा रिचार्ज कराना पड़ेगा। उसके कुछ खास फायदे मुझे लगे नहीं है अभी 5G फोन के। और 4G फोन के बाद जो भी बंदे चला रहे हैं ना, उनके लिए एक चीज बताता हूँ, खुशखबरी है, 4G फोन है ना 7-8 साल कहीं नहीं जाने वाला है। 4G नेटवर्क होगा ना वो कहीं नहीं जाने वाला, ये चलेगा 7-8 साल तक और बिंदास चलेगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है। और 5G में प्रॉब्लम अभी देखने को मिलती है। इसमें देखिए कई इशू है 5G में, हेल्थ वालों ने काफी सारे इसमें वो डाल रखे हैं अपने पंगे के, भैया इसमें इससे ये हेल्थ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी सही नहीं चल रही, तो हेल्थ वाले भी इसमें ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा क्या, वो भी हमारे लिए सोच रहे हैं। तो सरकारों ने भी पूरी तरीके से इसको पूरी छूट नहीं दे रखी अभी, तो बहुत सारे मामलों में ये फंसा हुआ है 5G। कई बंदे वीडियोस बनाते हैं कि भैया 5G फ़ोन ले लो, बहुत अच्छा फ़ोन है, नया फ़ोन आया। भाई ऐसा नहीं है, अभी 5G की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। 5G फ़ोन सस्ते आ रहे हैं, मगर उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कमी इन लोगों ने भर दी है। 4G फ़ोन अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सैमसंग का A22 4G में भी लॉन्च हो रहा है, और सैमसंग का A22 5G में भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। दोनों फ़ोन दे रही है कंपनियाँ, तो कंपनियों को बंद कर देना चाहिए था 4G फ़ोन। वो क्यों नए नए फ़ोन निकाल रहे हैं, वो अभी भी लॉन्च कर रहे हैं, क्यों? उनको पता है कि 5G चले ना चले, मगर 4G तो चल ही रहा है, ये मस्त चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसा भैम अपने दिमाग से निकाल देना, ये सिर्फ एक हाइप बनाई गई थी 5G की, और इससे कोई खास फायदा अभी है भी नहीं भैया। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हमारा फ्रिज भी उससे चलेगा फ़ोन से, और लाइटें भी और पंखे भी, उसके लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़ा खर्चा मांगता है फिर बंदा, उसके लिए हाई एंड क्वालिटी का बंदा होना भी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है ना, सजेस्ट करूँगा कि आप 4G का ही इस्तेमाल करें, अभी 5G लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके प्लान भी अगर आएंगे ना तो भाई महंगे आएंगे, ये भी ध्यान रखना। आपको अगर लगे ना, जैसे मान लीजिए कुछ प्लान फ्यूचर में आता है कि भाई 5GB डाटा, और उसका रेट भी फिर उस हिसाब से रखा जाएगा, आपको लगेगा 5GB डाटा ज़्यादा मिल रहा है, मगर अभी जैसे 399 का है वो आपको तकरीबन कोई 500 कोई 600 इस तरीके से आपको डाटा प्लान देगा। फिर आप जब रिचार्ज ही नहीं कर पाओगे तो फिर 5G लेके करोगे क्या? क्योंकि 5G फ़ोन ले भी लोगे ना तो उसमें 4G पे ही आप टिक करके रखोगे कि मैं तो 4G चलाऊँगा, तो फिर उसे 5G लेने का फ़ायदा क्या होगा? कुछ ऐसा कुछ खास फ़ायदा मुझे उसका दिखा नहीं है। और मैंने काफ़ी बंदों से रिव्यू लिया है जो मेरे कस्टमर्स होते हैं, मोबाइल ठीक कराने के लिए आते हैं, उनमें कोई खास जानकारी दे ही नहीं पाए वो, कोई खास खुशी हुई उस चीज़ की 5G फ़ोन खरीदने की। और 5G फ़ोन टूटते भी हैं आज के टाइम पे भैया, ऐसी बात नहीं है वो नहीं टूटते, सारे फ़ोन टूटते हैं, ख़राब सारे ही होते हैं, ठीक है, और उनको फिर ठीक भी हम करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बारे में एक बात और बता देता हूँ, जैसे 5G फ़ोन की डिस्प्ले है ना, कभी कभी किसी किसी मॉडल में ऐसी है कि 5G फ़ोन की 4G फ़ोन से भी सस्ती डिस्प्ले मिल रही है। 5G फ़ोन में ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो उसको खरीदने के लिए तरस रहे हैं लोग बाग, उनकी डिस्प्ले 4G फ़ोन से भी सस्ती मिल रही है, बस 5G वाला प्रोग्राम उसके अंदर डाल दिया गया, उसके प्रोसेसर के अंदर, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं भाई, उसमें कोई अलग से अंदर कोई चांदी सोना नहीं लगा हुआ, मतलब कुछ खास ये ऐसा है नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं मत खरीदना, 5G वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे आपके पास तो आप खरीद सकते हैं, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई डर हो ना ऐसा कि यार 5G फोन जिसने ले रखा वो चल रहा है 4G एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ये आराम से 7-8 साल चलेगा बिल्कुल, और मस्त स्पीड चल रही है, अभी क्या जरूरत है, तो बफरिंग भी नहीं करता यूट्यूब, है ना। 4G फोन में
आराम से चलती है वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा आप किसी की भी बातों में मत आना कि भाई 5G फ़ोन खरीद ले, 5G खरीद ले, उसमें कुछ ना कुछ कमी कंपनी वाले दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और 4G में कमी नहीं मिलेगी आपको, 4G नया फ़ोन खरीदोगे ना उसमें पूरे फीचर्स मिलेंगे, पूरा मज़ा लोगे फीचर्स का, और 5G फ़ोन में आपको पूरे मज़े नहीं दे पाएगा। ये कंपनी वाले कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं, या तो कैमरे में कमी कर देंगे, या रिफ्रेश रेट में कोई कमी कर देंगे, या फिर उसके साउंड वगैरह में कुछ ना कुछ, या नेटवर्क में या डाटा ट्रांसफ़र में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो अपने पैसे उस जगह निकाल लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो सस्ता फ़ोन मिल रहा है, भाई वो सस्ता नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं उसमें। आई होप कि आपके दिमाग से ये वहम निकला होगा कि 5G फ़ोन आज के टाइम पर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। मत खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है कि 4G चला जाएगा 5G और 5G का हमें खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रहे हो 5G के चक्कर में, 5G कोई ऐसा खास तीर लेके नहीं आया, तो 4G पर ही रहिएगा, 4G भी आराम से 7-8 साल चलेगा। और यार देखो सिंपल सी बात बताता हूँ भाई, 6 महीने 1 साल तक है ना, इससे ज़्यादा कोई फ़ोन आज के टाइम पे चला भी नहीं रहा। कई बंदे मैंने ऐसे देखे जिन्होंने 5G फ़ोन खरीदे थे पिछले साल, अब उन्होंने इस दिवाली पे 4G फ़ोन खरीद लिया, 5G लिया ही नहीं, 1 साल चलाया किस काम का, महंगा फ़ोन खरीदा था, इतना मज़ा भी नहीं आया था उसमें, ना वो वीडियो देखते थे उसमें 4K वाली, ना कोई हाई एंड क्वालिटी उनको वीडियो देखनी थी, ना कोई अलग से कोई काम हुआ। मेरा मानना तो यही है, बाकी आपका मानना क्या है 5G फ़ोन में, अगर कोई फ़ायदा आपको दिखे मुझे भी बताइएगा कमेंट करके, इंतज़ार करूँगा आपकी कमेंट का। और अगर आपको भी लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है 5G वाली, तो भाई फिर मत खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेकार की हाइप बना रखी है, लोग बाग बेकार में डर रहे हैं। लोग बागों के सामने देखिए कंपनी वाले तो चमत्कार से दिखाते हैं, एक ऐड जब दिखाते हैं ना वो कई तरह की, कि 5G में ये हो जाएगा, वहाँ का कैप्चर हो जाएगा, यहाँ पे भाई नहीं, उसके हिसाब से जो पार्ट्स लगे हैं उसमें कंपोनेंट लगे हैं वो भी तो होने चाहिए ना उस हिसाब से। मान लीजिए इन्होंने प्रोसेसर के अंदर थोड़ी जान फूकी है 5G की, बाकी प्रोसेसर गर्म हो गए भाई ख़राब भी होते हैं। कौन सा फ़ोन है जो ख़राब नहीं होता, हम सारे फ़ोन ठीक करते हैं भैया, सारे दिन ठीक करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5G फ़ोन खरीद लो वो ख़राब ही नहीं होगा आपका आप अगर उसे ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो गर्म वो भी होगा, और प्रोसेसर उसका भी ख़राब होता है, ICs उसकी भी जाती हैं, चार्जिंग जैक वगैरह उसके भी जाते हैं, ख़राब होना संभावित सी बात है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की। अब अगर कंपनी वालों से पूछी जाती हैं ये चीज़ें कि भैया 5G के फ़ायदे बताओ, तो वो तो ऐसे ऐसे फ़ायदे गिनवा देते हैं कि इसका ये इतनी सिक्योरिटी होती है, इसमें ये होता है वो होता है, भाई ये अपने टावर तो ढंग से लगा नहीं पाते, ये अभी तक 4G टावरों को 5G तो कर नहीं पाए सारी जगह, ये क्या 5G का मज़ा आपको दिलाएंगे। इनके चक्कर में ना पड़े, हेल्थ वालों ने कई इश्यूज इसमें डाल रखे हैं कि इससे ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी चीज़ें आप, मेरा मानना है कि आप ना खरीदें, अभी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5G का जब टाइम आएगा फुल पूरे तरीके से, जब आप कर लीजिएगा। और आपको इसके साथ ही है ना कई चीज़ें ऐसी बताता हूँ आपको, मान लीजिए आपने 5G फ़ोन खरीद रखा है और आपकी सिम भी 5G है, आपका नेटवर्क 5G चल रहा है, तो उसका एक रीज़न और है कि उसका जो टावर होगा ना 5G का वो आपके पास में होना चाहिए जब आपका अच्छे तरीके से 5G काम करेगा। तो दोस्तों आपको ऐसे में कोई भी ज़रूरत नहीं है अपना पैसा फूकने की, अपना पैसा ख़राब करने की। मैं मानता हूँ कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है भाई, आराम के पैसे नहीं होते हर किसी के पास। वो अगर एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हो तो आप ख़रीद लेना, अगर एक्स्ट्रा पैसे ना हो, अगर आपकी मेहनत के पैसे हो, वैल्यू फॉर मनी आप समझते होंगे, आप अगर पैसों की वैल्यू करते हैं, तो आप 4G फ़ोन पर ही रहना, एक बजट फ़ोन ख़रीदना अपने हिसाब से, अच्छा सा फ़ोन खरीदिए देख के। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे अगर वो आपको चढ़ाने की कोशिश करें कि भाई 5G ले लो 5G में ये, भैया उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा उसका, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका, भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, एक फ़ायदा नहीं बता पाया मुझे कोई भी 5G चलाने वाला। जितने बंदे मेरे पास दुकान पे आते हैं ना फ़ोन ठीक कराने के लिए, मैंने सबसे पूछा 5G फ़ोन जो भी बंदा चला रहा है, मगर भाई इसे ठीक तो कर रहा हूँ, मगर इसका एक कोई फ़ायदा बताना यार, फ़ायदा कह रहा है यार कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको लेके टेंशन हो रहा है। कई जगह रुक जाते हैं भाई, देखो इनके रिचार्ज के प्लान है वो नहीं आए अच्छे तरीके से, पूरे अभी आए कहाँ हैं, अभी नहीं आए ना, जब आएंगे जब देखा जाएगा, जब आएंगे तो भाई काफ़ी महंगे भी होंगे, सस्ते तो मिलने वाले नहीं है 4G वाले प्लान में। फिर क्या होगा भाई, फिर 4G जो फ़ोन चला रहे होंगे उनको मज़ा आएगा कि भाई अब ये 4G वाले महंगाई में जाएंगे, क्योंकि 5G के भाई प्लान भी महंगे ही आएंगे, उस रेट पे तो देंगे नहीं बिल्कुल भी वो 5G के, क्योंकि जो टावर लगाने के जो खर्चे हैं ना, 4G के टावर सस्ते लग रहे हैं, 5G के महंगे लग रहे हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है इनका कंपनी वालों का, तो भाई वो सारा पैसा आपसे निकालने वाले हैं, ठीक है। और अभी मत लेना, जब ये 1-2 साल हो जाएगा ना इसको 5G को, जब ये घिसपिट लेगा, जब इसके सारे टावर वगैरह लग जाएंगे, जब तक कुछ डेवलप भी हो जाएगा, जब तक आपकी इनकम भी डेवलप हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उस वक्त आप ले लेना, अभी इतना परेशान मत होइए इसके लिए, ये सारा खर्चा आपसे निकाल देंगे नहीं तो, और आप फिर परेशान हो जाओगे। 5G खरीद लिया होगा तो फिर आपको भाई वो प्लान लेने ही पड़ेंगे ना, 5G की सिम भी होगी, फ़ोन भी होगा, फिर आपको वो प्लान उसमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती वाली कहानी हो जाएगी। और जो 4G फ़ोन चला रहे होंगे वो मस्त, वो आपको उंगली दिखाएंगे फिर, है ना, कि हमारे पास 4G है, हम तो 4G का प्लान चला रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो,
ये छोटी सी वीडियो जानकारी के लिए मैंने बनानी पड़ी, काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि भाई 5G लूँ या 4G लूँ। तो मैंने आपको वीडियोस में बता दिया आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है, बजट फ़ोन खरीद लेना अपने हिसाब से। अभी तो कोई जानकारी नहीं है हमारे पास भी ऐसी कि उसमें कोई उसमें से बिल निकल आता हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर फैक्स आ जाता हो, ऐसा तो अभी हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई 5G से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, आपको कुछ ना कुछ जानकारी सही दे ही सकता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।